ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଏଠାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ଏଠିକାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନେକ କଳା ଭରି ରହିଛି ତ ଏ କଳା ଯାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହେଉ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ତ ଆଜି ଆମେ ସେହିଭଳି ଏକ କଳା ଯାହା ପାଖରେ ଭରି ରହିଛି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ସାରା ଭାରତବାସୀ ଆଜି ভারতবাসী পাখারে পরিচিত হয়ে পারি চাই তা পাখক আজ সাথে যা সে হোচা ময়ূরভঞ্জ জেলার বিজাত ব্লক খন্ত গ্রামর সুরতনগর সার রাম সিরকা মহোদয় আমি আজ আসি পৌঁছিছ রাম সির্কা ভাই পাখক তো বর্তমান আম পাখে অনেক রাম সির্কা আপনার অর্গস নিউজ্র আপনার স্বাগত ময়ূরভঞ্জ জেলার एक छोट गाँ सूरतनगर साहिरो मुंबई माया नगरी मुंबई पर्यंत जो सफर आ, सफर रहिला अनुभूति कौन कह जो एक्सपीरियंस है बहुत मुश्किल था बहुत टफ था मेरे लिए बट मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है अलग करना है तो मैं चला गया और जो मेरी पढ़ाई है वो मैंने चतरा में किया जमशेदपुर में किया चतरा में किया और चतरा में ही 98 में मैंने ताइडो शुरू किया तो जब मैंने ताइंडो शुरू किया तो वो दस रुपये मैंने शुरू किया मुझे नहीं पता था कि ये दस रुपये मेरे करियर में ऐसे चेंजेस लाएगा या मुझे इतना दूर आगे लेके जाएगा मुझे नहीं पता था तो वो ताइडो मैंने कंटिन्यू रखा वहाँ तीन साल रहा हॉस्टल में और फिर उसके बाद सेठे मतलब मोर जे स्कूलिंग थे सेटा मैं कम्प्लीट करी मुई वापस सेठे जमशेदपुर करी से कॉलेज करो थी मुझे तो वो कॉलेज के दौरान फिर क्या हुआ कि मैंने अपने माता पिता से पूछा कि आप लोग का जॉब वगैरह कितना दिन है क्या है तो माँ कहू थिला कि चार पाँच साल उचे आओ ढेर नए तो डिसीजन लेना बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए कि मैं क्या करूँ लाइफ में तो मैंने बोला माँ मुझे निकलना पड़ेगा कुछ करना है लाइफ में नहीं तो ऐसे करके कुछ चलेगा नहीं तो उस समय मैं बॉम्बे जाने के पहले जो हमारे जमशेदपुर से निकले हुए लाइक आर माधवन है हमारा प्रियंका चोपड़ा है वहाँ से निकले हुए जो कलाकार हैं हमारे तनुश्री दत्ता है तो इन सब का मैं न्यूज़ कटिंग वगैरह रख के आज भी रखा हुआ है मेरे पास और मैं देखता था कि वो लोग बोलना क्या चाहते हैं वहाँ काम कैसे होता है उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता था मैं एंड कुछ कुछ ऑडिशंस के कुछ एड्स आते थे पेपर में वो भी कटिंग करके मैं रखता था तो ये सारा कलेक्शन ले करके मैं दिल्ली के दिल्ली गया दिल्ली से मुंबई गया मुंबई में छोटा सा इंस्टीट्यूट मिला मुझे वहाँ कुछ समय रहा मैं और फिर एक्टिंग थोड़ा कर लिया वहाँ पर फे, फिर उसके बाद मैं जब ऑडिशन वगैरह देने गया तो फिर चीज़ें समझ में आता है कि आप नॉट फिट हो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो तो मैंने बोला आप इस तरह जाओगे तो नहीं होगा तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है तो मैं वहाँ रहा रहने के लिए जो मेरा मार्शल आर्ट जो मैंने दस रुपये में शुरू किया था उससे मैं स्लोली साले सारे मतलब सॉरी सारे सेलिब्रिटीज़ के घर पहुंच गया मैं और अच्छे से सेलेब को मैं ट्रेनिंग दिया तो जब मेरा स्टेबिलिटी आ गया थोड़ा रहने खाने में मुझे अच्छा हो गया शुरू में तो मेरे घर वाले भेजते थे तकलीफ़ें बहुत आई खाने के लिए रहने के लिए तो ये सब सब ठीक हो गया तो मैंने शुरू किया एक छोटा सा फिल्म 2016 मैंने किया शॉर्ट फिल्म और वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ उसमें आप आपका इंडस्ट्री में टोटल फिल्म कितना है कौन कौन सा फिल्म आप किए हैं कौन कौन सा फिल्म में आपका रोल है पहला फिल्म है शिवाज रेडमशन शॉर्ट फिल्म उसके बाद फर्स्ट जो बॉलीवुड मूवी है मर्द को दर नहीं होता दबंग थ्री दबंग थ्री के बाद ही मुझे प्रभु सर से मुलाकात हुई और वो हमारा काम को बहुत मतलब तारीफ़ किए बड़ा खुश हुए और मुझे उन्होंने फिर दूसरा काम दिया जो कि अभी फ़िल्म रिलीज़ में है राधे उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और राधे के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेसन हमारी तरफ थैंक यू और आपका इस जो जितने भी आप फिल्म किए हो तो उनके अंदर से कौन सा फिल्म में ज़्यादा अनुभव अच्छा से नि निकला है ऐसा मानते हो ओ, मेरे लिए सब इम्पॉर्टेंट है मर्द को दर्द नहीं होता या दबंग थ्री या फिर राधे जो आ रही है और फिर एक मैंने फिल्म किया मलयालम फिल्म मास्टर तो मेरे लिए हर फिल्म में कुछ अलग करने को मौका मिलता है अलग डायरेक्टर मिल रहे हैं मुझे तो अलग कुछ सीखने को मिल रहा है तो मैं कुछ ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे ये फिल्म में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मिला इससे मैं ज़्यादा खुश हूँ नहीं मुझे सब में खुशी मिली है और बहुत अच्छा लग रहा है उड़ीसा रे उड़ीसा रे को जन्म माटी

हाँ खेड़ी खेड़ी मतलब ये मुझे रोली एटे से पखाड़ भात खाई काम तो सही जाइ आम काम कम करु तो मोर शक्ति कि पखाड़ भात खाईो भी सी रही पार मुझे और किसी पारि नए सहीटा मत दृढ़ संकल्प सेपाई भी रोचे से ठीक तो आप लक्ष्य कौन अच्छी आपणकर लक्ष्य रही चाहिए कौन कही मैं चाहता हूँ कि और भी बड़े बड़े फिल्म आए मुझे और भी अच्छा काम करूँ और इसी तरह आप लोग आते रहिए और आपका प्यार देते रहिए और मीडिया के माध्यम से आप जो ऑडियंस तक मेरे बात को पहुँचा रहे पहुँचा रहे हैं उसके लिए, लिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है थैंक यू थैंक यू, यू सो मच सिने जगत और ओडिया इंडस्ट्री विषय कौन कहिए हाँ इच्छा तो है अपना यदि ट्रेडिशनल में यहाँ पे हमें मौका मिलेगा और काम करने का ऑफ़र आएगा तो मैं ज़रूर करूँगा यहाँ के जो बड़े बड़े हमारे कलाकार हैं उनके साथ काम करूंगा सीखने को मौका मिलेगा और भी अच्छा लगेगा मुझे हिंदी इंडस्ट्री में आप फेवरेट एक्टर की हमारा फेवरेट एक्टर है ऋतिक रोशन सर है हमारे और एक्ट्रेस एक्ट्रेस में सभी अच्छे हैं लेकिन ऋतिक <laughs> सर हमारे बहुत फेवरेट हैं और सर हमारे इंस्पिरेशन आइडल हैं और ओडिया इंडस्ट्री रहे को बोल लगे आ, उतना मुझे मौका नहीं मिलता है ओडिया इंडस्ट्री में फिल्म देखने का बट सभी अच्छे लगते हैं मुझे हाँ तो हमारा उड़ीसा युवक खास करके मयूरभ को विषय कौन कहूँ जो यूथ लोग हैं उनके लिए हाँ। उनके लिए यही बोलूंगा कि जैसे मैंने बोला कि आपको सबसे पहले ये देखिए कि आप क्या कर सकते हैं आपके अंदर क्या कला क्या है सभी लोग एक तरफ जा रहे हैं या सरकारी जॉब के लिए या आर्मी के लिए इस तरह नहीं भागना है हाँ आप यदि डिफेंस के लिए हुए हैं आपके पास वो एबिलिटीज़ है है ना वो स्किल है तो आप उधर जाइए नहीं तो फिर आप वो सबसे पहले जानना जरूरी है कि आपके भीतर है क्या आप किस चीज़ के लिए करना चाहते हैं आपको खुशी कहाँ मिलता है वो बात लाना चाहिए वो बात समझना चाहिए उस उस डिरेक्शन में हम जाएंगे तो हमको खुशी भी मिलेगा नाम भी मिलेगा और पैसा भी अच्छा मिलेगा ये बोले गोटे लोक दरिद्रू जेतर लेवल को जाए से समय मन भितर बहुत गर्व अहंकार आसी जाए तो आप मन भितर सेमती किसी अच्छी की अभी मैं ये तो हाँ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है खुशी हो रहा है है ना न और इसी तरह काम करता रहूँ मैं बाकी और क्या बोलूँ मैं बाकी ऑडियंस का बड़ा अच्छा प्यार मिल रहा है मेरे अपने लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और स्ट्रॉँग हो जाऊँ और अच्छा काम करूँ और आप लोगों को और इस तरह मतलब इंटरटेन करूँ खुश करूँ ठीक अच्छे आपे व्यस्त शेड्यूल भित्रे आमुक समय देवर और तरफ रू बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक आपने देखुते जे वर्तमान आमर जो राम सिरका भाई ত আমি আঁচুচু এই ঘৰে এই ঘৰ হ'ল জন্ম মাটি এই ঘৰে সেনেবলে ৰ বঢ়িলে ত এইঠু তাৰ পিশ্ৰমৰ যি কঠিন পৰিশ্ৰম ৰ কঠিন পৰিশ্ৰম বা দেহৰে ঝাল বুহিকি সেই আজি মুম্বাই পহঁচিকি তাকৰ নিজৰ পিশ্ৰমৰ ফল পাইছো যা সাৰা ভাৰতৰ প্ৰস্ফুটিত হৈছিল যুৱকমান গোটেই আইকন ভাৱে যুৱক মানে গ্ৰহণ কৰ আমাৰ ময়ুৰভঞ্জ ৰাইৰংপুৰ জ্যোতিৰঞ্জন বাৰিক